TSL 7 प्रैक्टिस के लिए टीमों की कजाफी स्टेडियम आमद। शहर की अहम शाहराहों पर बैरियर्स लगाकर ट्रैफिक डाइवर्ट। कूपर रोड, एजर्टन रोड, खियाबाने एवान रोड और क्वींस रोड पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मॉल रोड पर भी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी रहीं। कोरोना के वार जारी, मोहलिक वायरस मजीद 3 कीमती जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में 176 नए मरीज रिपोर्ट। केसेस की मुस्बत शरह 3.2% रिकॉर्ड। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल कोरोना वायरस का शिकार हो गए, खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। शहर में डेंगू का खतरा बढ़ने के बावजूद इंतजामिया लापरवाह। डेंगू हॉटस्पॉट की तादाद 16,000 से बढ़कर 36,000 हो गई। 4,500 वर्कर्स होने के बावजूद सर्विलेंस का अमल सुस्त रवि का शिकार। रवां साल डेंगू मरीजों की बढ़ती तादाद में लाहौर पहले नंबर पर, 16 मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। फंड्स की अदम दस्तियाबी, वफात पाने वाले असातिज़ा के खानदानों की माली मुआवनत रुक गई। वज़ीरे आला की हिदायत के बावजूद कायमा कमेटी ने फंड्स मंजूर नहीं किए। स्कूल एजुकेशन ने महकमे खजाना से 2 अरब रुपए का फंड मांगा था। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की नाअहली, 40 लाख शहरी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के रहमो करम पर। 53 में से एक रूट पर भी बसें ऑपरेशनल न होने का इंकशाफ। अलबेराक और ट्रांस लाहौर में मुआहदे खत्म होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदम तवज्जोही का शिकार। रूट्स को ऑपरेशनल करने के लिए 1,574 बसों की जरूरत। सिर्फ 13 रूट्स पर स्पीडो बसें ऑपरेशनल हो सकी। लेडी वेलिंगटन अस्पताल के लिए 18 करोड़ जारी। अस्पताल की इमरजेंसी को अपग्रेड किया जाएगा। GCU के इजाफी क्लासरूम बनाने के लिए भी 5 करोड़ जारी। मज़ार इकबाल की तज़ीनो आराइश के लिए 35 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। हाईकोर्ट के नए इंतजामी ब्लॉक के तामीराती अखराजात में 65 करोड़ रुपए का इजाफा। 11 मंजिला इमारत की तामीरी लागत 1,47 करोड़ तक जा पहुंची। हाईकोर्ट बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने इंतजामी ब्लॉक की तामीर के लिए इजाफी रकम के इजरा की मंजूरी दी। उधर हाईकोर्ट में जजेस की इजाफी असामियों के पेश नजर 40 नई अदालतों का प्लान भी तैयार। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 8 नए शोबाजात कायम करने का फैसला। यूनिवर्सिटी में एनर्जी इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट साइंसेज, डेटा साइंसेज, मशीन लर्निंग के शोबे बनेंगे। मसनूई जहानत और साइबर सिक्योरिटी का शोबा भी कायम किया जाएगा। सिंडिकेट ने नए शोबे कायम करने की मंजूरी दे दी। UET में रवा साल नए शोबाजात में दाखिले होंगे। ऑडिट और सिस्टम ऑनलाइन करने के बाद 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर दूसरे रोज भी बंद। सार्फीन सस्ता आटा, चीनी, घी, दालों समेत सब्सिडाइज्ड अशिया के हुसूल के लिए ख्वार हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स ऑडिट के बाद मजीद 2 से 3 दिन तक बंद रहेंगे। जनरल अस्पताल का अमला बेलगाम हो गया। गार्ड के बाद अब वार्ड बॉय भी मरीजों के साथ बदतमीजी करने लगा। वार्ड बॉय की मरीजों को गालियां और नारवा सलूक। वार्ड बॉय की बदतमीजी की वीडियो सिटी 42 को मौसूल। बादामी बाग लारी अड्डा से स्टेशन जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। दूसरे शहरों से आने और जाने वालों को परेशानी का सामना। सीवरेज के नाकिस निजाम के बाद इलाका मकीन शदीद परेशान। आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल के हल का मुतालबा। मक्खनपुरा में 3 माह से गैस बंदिश के खिलाफ मकीन सरापा एहतजाज। रिहायशियों ने गैस बंदिश पर सिलेंडर, चूल्हे और बर्तन उठाकर एहतजाज किया। शाह मीरा और घोड़े शाह में भी गैस बंद। शहरियों का गैस फराहमी का मुतालबा। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस, ख्वाजा बरादरान एहतसाब अदालत पेश हुए। गवाहों ने बयानात कलम बंद कराए। अदालत पेशी के मौके पर ख्वाजा साद रफी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत की सदारती ऑर्डिनेंस लॉ फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। इमरान खान की हुक्मरानी ने बदतरीन मिसालें कायम की हैं। पूरी कौम इमरान खान की जान को रो रही है मगर इनको शर्म नहीं आती। निशा शफी ने कानून को मजाक बनाया हुआ है, शदीद रुकावट का शिकार है। अदालत ने सोशल मीडिया मुहिम केस का गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मीशा शफी, माहम जावेद की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी मुस्तरद, वारंट जारी कर दिए। अली गुलपी, लीना गनी की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी भी मुस्तरद, समाअत 19 मार्च तक मुलतवी। सियासी गर्मा गर्मी, जहांगीर तरीन ग्रुप सरगर्म। जहांगीर तरीन ग्रुप में मजीद नाराज अराकीन को शामिल करने का फैसला। PTI हम ख्याल ग्रुप से रवाबित में तेजी। हम ख्याल ग्रुप के अराकीन वादे पूरे ना होने पर नाला है। नाराज अराकीन की शमूलियत के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप पावर शो करेगा।
हुकूमत भी मीडिया पर कदम लगाना चाहती है। पीपल्स पार्टी का पीका कानून को चैलेंज करने का ऐलान। साबिक वज़ीरे आज़म यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं आवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। पीटीआई मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के साथ ही रहेंगे। मामले खुसूसी हसन खावर का दावा, कहा अपोजिशन की मेल मुलाकातें खुद को तिपल तसलियां देने के मुतरादिफ हैं। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। हमजा शहबाज ने पार्टी इजलास में फरमाइश पर सुर बिखेरे, खूब दाद समेटी। अपोजिशन लीडर के गुनगुनाने की एक और वीडियो वायरल।